नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम इसका जो है ये चिमटा बांधेंगे। तो इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा जिसमें हमने ये चीज़ जो है फिट करी थी, ये किस तरीके से फिट करना है वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा तेल डाल लेंगे ताकि ये चीज़ हमारी फ्री रहे थोड़ी सी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया है, देख सकते हैं सही चल रहा है बिल्कुल। अब थोड़ा हल्का सा टाइटपन रहे, मतलब बिल्कुल ही प्ले नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में। तो अब देखिए इसमें जब हम लगाते हैं ना तो क्या है, ये नीचे खसक जाता है, फिर हमको क्या कहे चिमटी से ऊपर करना होगा और फिर ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर आप नए हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जैसे कि इसको सेंटर में इस तरीके से बांधना होता है, बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से आता है, ये ऐसे करके रखना होता है। जब आप लगाएंगे तो ये खसक जाएगा इधर। तो इसके लिए अगर वैसे तो आप जब प्रैक्टिस पड़ जाएगी फिर तो आप जो है आसानी से कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन नए हैं तो इस तरीके से पकड़ के और इस पर क्या करें, इस पर धागा लपेट दें, यानी कि इसको बांध दें धागे से, और बाद में जब हमारा ये पड़ जाएगा तो हम इसको जो है वो काट के धागे को फेंक देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसी पे बस इस पे लपेटना है और किसी पे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखें ऐसे करके। ओके, इससे क्या होगा ये हिलेगा नहीं बिल्कुल। ये आपके नए, जैसे नए लोगों के लिए है, जब आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे फिर आपको इस चीज़ की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आप जो है आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको तोड़ दिया, अब ये देखिए जाम हो गया, अब ये हिलेगा नहीं। अब इसको हम उठाएंगे, बस ऐसे ही फिट कर देंगे, उसके बाद ये लगा देंगे इसमें, ये बस हमारा काम हो गया। अब हम इसको फिट करते हैं, इसको हटा देते हैं हर चीज़ को। तो देखिए इसको चिमटे को जो है यहाँ पर फिट करा जाता है, यहाँ पर, तो यहाँ पर फिट करेंगे। अब हमको इसको लगाना कैसे है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये हिस्सा जो है ये हिस्सा ये हमको ऐसे करके रखना है, ऐसे करके, तभी ये हमारे जो है ये चीज़ आएगी ना इधर साइड में, इधर साइड में। तो हम नीचे से इसको इस तरीके से लगा देंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हम इसको अंदर फिट कर देंगे। ये हो गया इधर से, अब इधर का हमारा काम ख़त्म हो गया। इधर साइड में देखिए, ये देखिए ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखिए यहाँ पर जो है ये देखिए, अब सेंटर में आ गया ना, हमने धागा लगाया था, तो हमको इस तरीके से ऐसे करके इसको बोल्ट को इसके अंदर, अब देखिए यहाँ पर ये बोल्ट, एक मिनट, अब देखिए इसके अंदर जो है, अब हम पेचकस से टाइट कर देंगे इसको। ये देखिए ये बोल्ट आ गया, अब हमें इसका सेंटर में ये देखिए धागा हमने लगाया था तो ये फिट हो गया। अब हम इसको टाइट करते हैं, तो ये देखिए हमारा काम हो गया, मतलब पेंच जो है टाइट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके धागे को काट देंगे। तो हम इसको ऊपर लेंगे थोड़ा सा, मतलब इस तरीके से, अब हम इसके अंदर हाथ काटे दे रहे हैं, ठीक है, काट देते हैं इसको। अब देखिए धागा हमने काट दिया, कैंची अंदर ले जा रहे थे तो जो है आपको दिखा नहीं पाए, तो जो है यहाँ पर धागा तो हमने काट दिया, अब यहाँ पर बिल्कुल फिट हो गया ये हमारा, ये देखिए।
तो ये फिट हो गया है। अब देखिए हमें को क्या करना है, अब यहाँ पर मान लीजिए देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा अभी जो है ये चीज़ हिल रही है, ये इधर से हम पकड़ खींच रहे हैं, ये जो है ये जब हम चाल टाँकी अभी लगाएंगे तो ये जाम हो जाएगी, तो इसको हम जो है ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें नीचे की साइड इसकी टाइट करना है, इसकी चिमटे की, तो देखिए चिमटे की साइड जो है हमको किधर साइड में टाइट करना है, अगर आप इधर ले भी जाएंगे तो भी ये जो है ये चीज़ टाइट नहीं होगी, ये चीज़ अगर हम जो है इधर साइड में टाइट करेंगे। अब ये इधर किधर है मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये देखिए ये बैक साइड है ना, तो बैक साइड में हमको चिमटा टाइट करना है, ये चिमटे की जो रोट है वो हमको बैक साइड में टाइट करनी है, ये बैक का हिस्सा है ना ये चीज़, तो इधर साइड में चिमटे की रोट टाइट करनी है, और उधर वाली जो है ये वाली दूसरी रॉड हमें कनेक्टिंग रॉड जो है वो टाइट करनी है। तो हम जो है आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से हमने रखा, और जो है इधर साइड से, इधर ही साइड से आपका बोल्ट जाएगा भी इसमें फिट होके, इधर साइड से नहीं आएगा, ये इसमें नहीं लगाना है इधर साइड में बोल्ट, ये इधर साइड में रखना है चिकना वाला हिस्सा, तभी ये घूमेगा राउंड लेगा। तो अब हम इसको टाइट कर देते हैं, अब इसको भी वैसे ही टाइट करना है जैसे कि मैंने उसमें बताया पिछले वीडियो में, इसका ऊपर का चिमटे के जो बोल्ट हैं ये वाला वैसे ही बोल्ट है, तो इसमें प्ले इसमें भी नहीं होना चाहिए आपकी, इस चीज़ का ध्यान रखें, और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए वरना जाम हो जाएगा। अब इसको भी हम इसमें लगा देते हैं, ये कनेक्टिंग रॉड का है, ये जो है चिमटे का है, दोनों का सेम होता है पेंच, तो हमको इस तरीके से चेक करके देख लेनी है, बस हल्की सी रहे पीले, हल्की सी मामूली सी, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम इसको टाइट करते हैं, चला के देख लेना, ज़्यादा भारी चल रही हो तो यहाँ से पेंच जो है वो ढीले कर सकते हैं हल्के से लूज, तो हमको इस तरीके से इसमें पेंच कैसे पकड़ लेना है, और जो है हम चाबी से अब टाइट करेंगे इसको। तो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो गया, हम इसको ढीला करते हैं, ये देखिए हल्का सा लूज है, लूजिंग मार रहा है, अब हम ये वाला पेंच टाइट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। अब ये देखिए घूमना चाहिए आपका, कहने का मतलब इसमें पिले भी ना हो, ये पिले है, अब हम इसको हल्की से दूर करेंगे, ये चीज पेंच का सिर्फ पकड़ रख के रखना है ताकि ये बोल्ट हमारा घूमे ना। ये जाम हो गया ये वाला, अब ऐसे ही ये वाला भी हमको लगा लेना है कनेक्टिंग का, तो दोनों का सेम है, तो यहाँ पर वीडियो स्किप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी दोनों मशीन यानी कि चल रही हैं, और इनमें प्ले भी नहीं है कहीं पर भी, ये हल्की सी है, अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप जो है ये तो इसको मतलब कर सकते हैं सही, यहाँ से टाइट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं ऊपर सब कुछ सेट करके, उसके बाद ही हम इसमें देखेंगे। और ये वाली बिल्कुल सही है, ये वाली जामा, ये हल्की सी लूज है, तो इसको बाद में देख लेंगे, अभी अगर कुछ दिक्कत लगेगी तो हम इसको और थोड़ा सा टाइट कर देंगे, नहीं लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है अब हम ऊपर का ये हमारा पूरा सेट हो गया, अब हमारा अंदर का मतलब कहने का मतलब सब कुछ सेट हो गया। तो देखिए ये सब कुछ सेट हो गया अंदर का, सब कुछ सही है ना। अब ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ हिल रही है ना, ये चीज़ हिल रही है, तो इसको हमें को क्या करना है, जब हम चाल ये लगाएंगे, अभी देखिए ये बंद हो जाएगी,
तो उससे पहले लेकिन हमको जो है वो अपना मैन काम कर लेना है। अब मैन काम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका वीडियो भी मैंने बना दिया था, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा मेन काम जो है वो है स्प्रिंग का। यहाँ पर जो है वो हमें स्प्रिंग अब डाल लेना है, इसको स्प्रिंग को डाल लेते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो जो चाल टाँके इसको अटका लेंगे जब तक के लिए। तो देखिए अब जो है मैं आपको पिले सिर्फ इसकी इसमें जो पिले है, अब दांतों में इसी वजह से बहुत ज़्यादा पिले होती है, तो अभी मैं आपको दांतों की भी दिखाऊंगा। पेंच नहीं यहाँ पर टाइट करूंगा, सिर्फ लगा दूंगा। तो इसको हमें वो बार्सल को इस यहाँ पर लगाना ज़रूरी होता है, तो इसको हमने लगा लिया। अब इसको हम फिट कर देते हैं इस टाइप से। तो ये फिट हो गई। अब हमको क्या करना है, ये वाला पेंच टाइट कर देना है, जब तक के लिए हम इसको टाइट कर देंगे। अब देखा ढीला आया अभी भी, अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पिले। तो देखिए ये टकर टकर हिल रहे हैं ना, अब जो है ये देखिए यहाँ पर। अब देखिए मैं दांते हिला रहा हूँ तो ये पूरा हिल रहा है, ये देखिए। मैं आप चिमटा भी हिला, कहने का मतलब। और जब यहाँ से हम इसका पेंच टाइट करेंगे, अभी मैं इसका पेंच टाइट कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये हिलना बंद हो गया है ना, ये वाला जब हमने पेंच टाइट करा है, ये देखिए। अब इतने तो आपकी पिले होती ही है, सब में होगी, बिल्कुल यहाँ से जाम कर देंगे तो बिल्कुल जाम हो जाएगी, ये हल्की पिले तो रहती है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको सही करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर टेंशन तार जो है इसका, ये वाला तार जो है टाँकी लीवर वाला तार जो है वो हमको डालना है। वो किस तरीके से, सिर्फ आपको पहले ऊपर वाला डालना है, नीचे का भी नहीं डालना है। ऊपर का किस तरीके से डालना है उस इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, ऊपर आई बटन में लिंक है, तो वहाँ पर आप वीडियो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा किस तरीके से इसको तार को डालते हैं। तो इसको हम डाल लेते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों जब हम ये यानी कि तार जब हम खींचेंगे नीचे, तो इसको हमें कोई बिल्कुल फ्री कर देना है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी मेरा सेट नहीं है जे, इसीलिए हमको फ्री कर देना है इसको। अब जो है अब हम इधर साइड में आते हैं। अब हमने तार डाला है ऊपर आई बटन में, आप देख लीजिएगा इसमें किस तरीके से डाला है। अब इसको हमने फिट कर दिया, इसमें पहना दिया। आप चाहें तो प्लास से खींच के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका सही लगता है, तो हम इससे डाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये काम हो गया। अब देखिए ये चीज़ हमने फ्री भी कर दी है ना, लेकिन तार डाला है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये मतलब बिल्कुल सही हो गया है। अब ये हिल नहीं रहा इधर उधर चिमटा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, क्योंकि तार का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से अब ये हिल नहीं रहा है। तो ये हमारा ये भी काम कहने का मतलब सही हो गया है। तो अब जो है इसकी हमें को टाँकी मतलब सेट करना होगी। अब हम टाँकी इसकी सेट करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दांते जो हैं ये फंस रहे हैं, ये दांते फंस रहे हैं। अब ये क्यों फंस रहे हैं, क्योंकि हमारी चाल बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से ये फंस रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। अब देखिए इसको जो है इसको हम बीच में करते हैं, ठीक है, इसको हम बीच में कर देते हैं इससे। चाहे तो हम इसमें लीवर लगा के भी इसको कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए इसको हमने बीच में करा इस तरीके से, क्योंकि इसमें स्प्रिंग पड़ा है ना, तो ये फिर इस तरीके से घूम जाएगा।
तो हमको रोक के रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखिए पहिया चलाएंगे, अब देखिए वहाँ पर तो सही है ना सब कुछ। अब हम इसको छोड़ देते हैं तो देखिए ये फिर फंस गया है। इस तरीके से हमको अब सेट करना है टांकी सिर्फ। तो देखिए अब टांकी सेट करने के लिए आपको हमको ये चीज़ लगा देनी है इसमें, और इसको बिल्कुल हम ऊपर कर देंगे क्योंकि अभी को हमें इसको सेट करना है। ऊपर करने के बाद अब जो है हम ये पेंच टाइट कर देंगे ये वाले। तो ये वाले हमने पेंच टाइट कर दिया कस के यहाँ पर। अब ये यानी कि काम कर रहा है हमारे लीवर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सेट करना है ये चीज़, तभी ये हमारे दांते सेट होंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए हमने इसको लीवर को दबाया, अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमको जितनी बड़ी सिलाई रखनी है, मतलब फुल पे रखनी है ना, तो हमको बाद में हम छोटी करेंगे इसको, तो हमें फुल पे दांते रखना है। छोड़ दिया हमने, देखो जो वो टकराने लगे हैं, हल्का सा हम पीछे करेंगे, ये देखिए फुल पे आ गए। तो बस यहीं पर जो है हमको क्या करना है, इसको लीवर को पकड़ के रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब इसको जो है इसको लगा देना है ये चीज़, इसको हम बांध देंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर फिट हो गए, इसी तरीके से हमको फिट रखना है इसको बस। अब बाकी का काम जो है हम ये अब हम टाइट करेंगे इसको। अब देखिए ये टांकी लीवर है, अब हमको बिल्कुल ऊपर कर देना है क्योंकि सिलाई में बड़ी सेट करी है, तो यहाँ पर जो है इसको हमको बिल्कुल ऊपर कर देना है। फिर बाद में हम जब इसको घुमाएंगे तो ये अपने आप नीचे आएगा। तो हम इसको अब लूज़ कर लेते हैं क्योंकि इससे हमारा ये अब चाल रुकी हुई है, इससे अब कोई मतलब नहीं। तो इसको हम लूज़ करके ऊपर कर देते हैं। तो ये इसको बिल्कुल हमने ऊपर कर दिया। ऊपर करने के बाद अब हम इसको टाइट कर देंगे हल्का सा। अब ये वाला पेंच हम लगा देंगे। इस वाले पेंच से चाहे आप लूज भी रखें इसका पेंच तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार तो मशीनों में निकल भी जाता है ये पेंच। बस ये लीवर को थोड़ा सा ठीक रखता है। अब ये हो गया, अब हम इसके पेंच को टाइट कर देंगे। अब इधर वाला भी हम पेंच टाइट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पेंच टाइट। अब देखिए यहाँ पर अब मेरी मशीन भी यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमारी इस टाइम फुल सिलाई चल रही है और फुल पे हाई, ये देख सकते हैं आप लोग लीवर भी, यानी कि ये सेटिंग बिल्कुल सही है। अब हम इसको जब हम टाइट करेंगे तो जो है ये सिलाई हमारी छोटी होगी, तो इसके लिए अब हमें घड़ी लगाना होगी। तो घड़ी का पेंच ये है, तो हमको इसको इस तरीके से रखना है और जो है इसको टाइट कर देंगे। लेकिन घड़ी से पहले हमको ये लगा लेना है इसके अंदर ये चीज़। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे ताकि ये हमारा सही चले। तो इसको हमने इसको फिट कर दिया। अब ये आपकी चलना चाहिए इस तरीके से, चल नहीं रही है तो गड़बड़ा है, फिर आपको दूसरी डालना होगी इस फिरिंग और ये दोनों चीज़ें। अब इसको देखिए इस तरीके से रखा और ये चीज़ है ये पाँच नंबर पर है, तो हमें इसी पर सेट करना है। तो ऐसे हम इसको रख देंगे इधर साइड में, और ये जो इसकी रोक है जो उधर साइड में रखेंगे। अब जो है इसको हम टाइट कर देते हैं और पहिए को हमको पकड़ के रखना है।
तो ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पेंच हमने टाइट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं दांतें, आप देख सकते हैं। इधर साइड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, और इधर साइड में भी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, और बल्कि पहले से अच्छी अब हो गई है। पहले जो था वो बिल्कुल एकदम सिलाई बारीकी नहीं होती थी, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो पाती थी, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं हो पाती थी। अब वो प्रॉब्लम भी नहीं रही है, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी रही है, इससे मतलब ठीक हो गई है। अब मैं इसको जो है, ये देखिए, ये बिल्कुल ही नीचे मतलब करके आप बिल्कुल महीन भी कर सकते हैं इसकी सिलाई, और चाहे जितनी चाहे बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें मैं सिलाई लगा के आपको दिखाऊँगा। तो इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हत्ते को बांध लेते हैं, मतलब इसको पहियों को बांध लेते हैं। अब पहिया बांधने का वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, वो भी वीडियो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें बांध के दिखा देता हूँ। अब देखिए, इसमें मशीन आपको सीधी सीधी उल्टी रखना है, ऐसा करके अगर आप रख देंगे मशीन तो ये काम नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हमारा फ्री हो जाता है। तो हमको क्या करना है, पहिया हम इसको लगा देंगे। पहिया लगाने के बाद अब ये जो चीज़ है, ये मतलब उठी हुई है इधर साइड में, तो वो हमें अंदर साइड में रखना है, तो ये रख दी। अब हम ऐसे रखेंगे तो हमारा पहिया बिल्कुल जाम रहेगा, मतलब ये चीज़ फ्री नहीं होंगी, वैसे ये चीज़ गिर जाती हैं। अब हम इसको लगा लेते हैं, ये देखिए, ये फिर भी गिर गई, तो हम बिल्कुल इसको ऐसे कर देंगे। बस ये हमारा कस गया, बाकी काम इधर साइड से कस लेंगे। ये हो गया हमारा काम। अब हम चला के देखते हैं हमारी मशीन सही चल रही है नहीं चल रही है। कहने का मतलब हम मशीन पे अब सिलाई लगा के देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं, और मैंने पहले इसमें चेक नहीं कराया अभी तक है, अब मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अब हम इसको लगाते हैं, तो ये सिलाई जो है ये तो आप सेट कर लें, क्योंकि इस तरीके से हम देखिए अब ये कितनी भारी भारी सिलाई चल रही है, आप देख सकते हैं। तो हम इसको छोटा करेंगे अब हम, तो ये देखिए यहाँ पर हमने छोटी करी, अब इसको हम और छोटा करेंगे। हम चाहें तो और छोटा कर सकते हैं इसको, तो मतलब देख सकते हैं आप लोग कितनी बढ़िया सेटिंग यहां पर हुई है इसकी। देखिए यहां पर कितनी बढ़ा भी इतने चाहे जितनी चाहे उतनी, कितनी भी भारी कर दें। अब उल्टी तरफ की साइड की बात करें तो देखिए उल्टी तरफ भी सही है। सिलाई सेट करना वो तो आपको मालूम है, झान से और डिब्बी से सेट होती है वो। बाकी जो है अब टाँकी मार के मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सिलाई, पहले थोड़ी छोटी करते हैं। जब आप ज़्यादा छोटी सिलाई कर देंगे तो हल्के हल्के बैक होगी, जब बड़ी सिलाई में आप बैक करेंगे तो बहुत ज़्यादा बैक होगी। मैं आपको बड़ी सिलाई में बैक करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये बड़ी सिलाई है, अब देखिए तो इसी तरीके से सेट होती है। दोस्तों, मैंने जो है ये काम 10 साल पहले छोड़ दिया था, मैं सीखता था और मैंने जो काफ़ी सारी मशीन बनाना आती थी, लेकिन मैंने 10 साल पहले छोड़ दिया, लेकिन आज मैंने इस बहुत दिन बाद ही चिमटा बांधा है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको बांधना है। आपने बहुत ज़्यादा कमेंट करी थी तो मैंने वीडियो बना दिया था। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और आपको कोई भी सवाल या जवाब हो तो कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।